राठी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूबर, जिसकी वीडियोस 20 टू 30 मिनट्स होने के बावजूद भी मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर लेती है। ध्रुव राठी ने लास्ट 30 डेज में 100 मिलियन व्यूज और 5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। राठी ने इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट से यूट्यूब के एल्गोरिथम को ब्रेक कर लिया है। उसके चैनल पर घंटों रिसर्च करके मुझे उसके चैनल में से 4 स्ट्रेटजीज मिले, जिसकी वजह से वो इतना ग्रो कर रहा है। और फोर्थ नंबर स्ट्रेटजी सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटजी से तुम भी अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करवा सकते हो, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। स्ट्रेटजी नंबर 1, परफेक्ट इंट्रो हुक। ध्रुव राठी अपने वीडियोस के स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक अपने ऑडियंस के अटेंशन को हुक करके रखता है। लाइक तुम इस वीडियो को देखो। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड साइरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती है 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। इसीलिए तुम भी अपने वीडियोस के इंट्रो में ऐसे वर्ड्स यूज करो जिससे ऑडियंस मजबूर हो जाए वीडियो को एंड तक देखने के लिए। स्ट्रेटजी नंबर 2, फॉलो द ट्रेंड्स। ध्रुव राठी अपने वीडियोस के लिए ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करता है जो टॉप ट्रेंडिंग हो। लाइक अभी पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, तो उसने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जिस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आए। और तुम भी अपने वीडियोस के लिए ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करो जिससे ज्यादा लोग रिलेट करें। स्ट्रेटजी नंबर 3, मेक ऑडियंस अट्रैक्टेड। ध्रुव राठी अपने वीडियोस में ऐसे बैकग्राउंड मोशंस और साउंड इफेक्ट्स यूज करता है जो ऑडियंस को मजबूर करती है वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो इसीलिए तुम भी अपने वीडियोस में बैकग्राउंड मोशंस यूज करो ताकि तुम्हारी वीडियो अट्रैक्टिव और एंगेजिंग लगे। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी नंबर 4 के बारे में, क्लिकी थंबनेल। थंबनेल वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितना आपके वीडियो का थंबनेल अच्छा होगा उतना आपके वीडियो का CTR हाई होगा, विच मीन्स मोर व्यूज। और बिग यूट्यूबर्स अपने थंबनेल्स पर बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऑडियंस को आपकी वीडियोस की थंबनेल दिखती है। अगर थंबनेल अट्रैक्टिव है तो ऑडियंस इस पर क्लिक करती है, लेकिन अगर थंबनेल अच्छा नहीं है तो ऑडियंस डायरेक्ट वीडियो को स्वाइप अप करते हैं। ध्रुव राठी अपने वीडियोस के लिए ऐसे थंबनेल बनाता है जो ऑडियंस को मजबूर करती है क्लिक करने पर। नाउ अगर तुम्हें यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना है या क्लिकी थंबनेल बनाना चाहते हो तो तुम मेरी और सारी वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।